हेलो फ्रेंड्स, मैं एक्स कैट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल लीगल एनसीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कमांड्स ऑफ ऑल फोर्सेस। फ्रेंड्स, एक ऐसा टॉपिक है चाहे आपका एनसीसी का ए सर्टिफिकेट हो, चाहे बी सर्टिफिकेट हो, चाहे सी सर्टिफिकेट हो। फ्रेंड्स, इस सब में 1 से 5 नंबर का क्वेश्चन ही आपका आ जाता है। इवन फ्रेंड्स, ये उन एग्जामों में भी आ जाता है जो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम होते हैं, चाहे आपके इंडियन आर्मी का एग्जाम हो, चाहे नेवी का, चाहे एयरफोर्स का, इवन सीडीएस तक के एग्जाम में फ्रेंड्स के क्वेश्चंस आते जाते हैं। फ्रेंड्स, खासकर आपके इसके एग्जाम प्रैक्टिकल में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जब आपका प्रैक्टिकल होता है पूछ देते हैं, बताओ तुम फलाने विंग के हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति नेवी विंग का या एयरफोर्स विंग का, तो पूछ लेता है चलो नेवी विंग के कमांड कौन कौन से, उनके नाम बताओ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। और आपके ए बी और सी सर्टिफिकेट में तो आते ही आता है, 5 से 7 नंबर तक क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का हमारा नया थॉट्स है कि एवरी मॉर्निंग यू हैव अ टू चॉइस। व्हाट? एवरी मॉर्निंग यू हैव अ टू चॉइस, कंटिन्यू स्लीपिंग विथ योर ड्रीम्स एंड वेक अप और चेस देम। यानी हर सुबह आपके पास 2 चॉइस होती है। ठीक है, या तो अपने ड्रीम्स के साथ सोते रहो या उठो और उन्हें पूरा करो। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कमांड्स देखते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी का कमांड्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी के 7 कमांड्स है, 7 कमांड्स है। ठीक है, और 7 कमांड कौन कौन सा है? सबसे पहला हमारा वेस्टर्न कमांड है। वेस्टर्न कमांड कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? चंडी मंदिर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा है ईस्टर्न कमांड, और ईस्टर्न कमांड कहाँ पड़ता है? कैलकटा। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारा नॉर्थन कमांड, और नॉर्थन कमांड हमारा कहाँ पड़ता है? उधमपुर। उसके बाद है साउथन कमांड, साउथन कमांड हमारा कहाँ पड़ता है? पुणे पड़ता है हमारा। साउथन कमांड हमेशा याद रखिए, पुणे पड़ता है। उसके बाद सेंट्रल कमांड लखनऊ पड़ता है। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स ट्रेनिंग कमांड शिमला। उसके बाद आता है साउथर्न वेस्टर्न कमांड जयपुर। फ्रेंड्स, इसका इसमें एक चीज कॉमन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये अगर याद करेंगे, ठीक बता रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इनके नाम से कमांड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ईस्ट कमांड होगा कलकत्ता, उसके बाद वेस्ट कमांड हो गया चंडी मंदिर, साउथर्न कमांड हो गया पुणे। उसके बाद फिर देखिए सेंट्रल और ट्रेनिंग कमांड याद रखिएगा। सेंट्रल कमांड आपका हमेशा पड़ता है लखनऊ, मतलब भारत के उसमें आ जाता है। ठीक है, और ट्रेनिंग कमांड हमेशा पड़ता है शिमला। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेवी में देखिए 3 कमांड्स हैं, ओनली 3 कमांड्स आज देव। ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड जो मुंबई में पड़ता है आपका। उसके बाद फ्रेंड्स ईस्टर्न नेवल कमांड, वो क्या पड़ता है? विशाखापट्टनम में पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है साउथर्न नेवल कमांड, ये कोचीन में पड़ता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं एयरफोर्स के कमांड देखते हैं। एयरफोर्स में फ्रेंड्स जैसे इंडियन आर्मी के 7 कमांड है, वैसे एयरफोर्स में 7 कमांड है। पहला वेस्टर्न एयर कमांड फ्रेंड्स दिल्ली में पड़ता है आपका। दूसरा साउथ वेस्टर्न कमांड फ्रेंड्स गांधीनगर में पड़ता है। उसके बाद सेंट्रल एयर कमांड फ्रेंड्स आपका अलाहाबाद में पड़ता है। उसके बाद ईस्टर्न एयर कमांड फ्रेंड्स आपका शिलोंग में पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है साउथ एयर कमांड, ये आपका त्रिवेंद्रनाथपुरम में पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स ट्रेनिंग कमांड जो आपका बेंगलुरु में पड़ता है। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स मेंटेनेंस कमांड, मतलब इंडियन एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड है जो नागपुर में पड़ता है। यानी 7 कमांड हमारे इंडियन आर्मी के हैं और 7 कमांड एयरफोर्स के। उसका फिर आ जाता है कोस्ट गार्ड के रीजन आ जाते हैं, कमांड्स आ जाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसका वेस्टर्न रीजन कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है, इसे हम डब्ल्यू से डोनेट करते हैं। इसका फ्रेंड्स ईस्टर्न रीजन कहाँ पड़ता है? इसका चेन्नई में पड़ता है। उसका फिर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन जो कलकत्ता में पड़ता है। उसका फ्रेंड्स आपका आ जाता है अंडमान निकोबार रीजन। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। अंडमान निकोबार रीजन पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। उसका फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट रीजन आपका क्या पड़ता है? गांधीनगर में पड़ता है। तो फ्रेंड्स हाउ मेनी कमांड्स यू हैव? यू हैव टोटल 7, 7, 14, उसके बाद 3 इधर और 5 उधर। ठीक है, टोटल फ्रेंड्स हमारे पास एक तरह से 21 के आसपास कमांड्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा? ठीक है, कि ये सारे कमांड्स हैं। ठीक है, और ये सारे कमांड्स कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से और आपके टॉपिक से और आने वाले उन मतलब कि खासकर जो जर्नल इसके डिफेंस के एग्जाम हो गए, चाहे आपके एनसीसी के एग्जाम हो गए, चाहे प्रैक्टिकल हो, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है फ्रेंड्स। उनमें से 1 से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय।